हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज का टॉपिक है 47th G7 समिट 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में आयोजित G7 सम्मेलन का इस बार कौन सा संस्करण था? तो 47वां संस्करण था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए, G7 कंप्राइज ऑफ कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके एंड US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें जी सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश ने किया? यूनाइटेड किंगडम। दिस विल बी 47th G7 समिट। इट इज शेड्यूल्ड फॉर June 11 टू June 13 2021 इन यूनाइटेड किंगडम, विच ऑल्सो होल्ड प्रेजिडेंसी ऑफ G7 दिस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47th G7 सम्मेलन 2021 में कितने देशों ने स्पेशल गेस्ट देश के रूप में भाग लिया? 4। इसकी व्याख्या देखें, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका वेयर ऑल्सो इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द समिट एज गेस्ट कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47th G7 सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो बिल्डिंग बैक बेटर थी। नेक्स्ट, 47वें G7 सम्मेलन 2021 में 11 देशों G7 देश प्लस गेस्ट देश को डेमोक्रेसी 11 की संज्ञा किसने दी? तो बोरिस जॉनसन ने दी। इसकी व्याख्या देखें, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन कॉल्ड है डेमोक्रेटिक 11। डेमोक्रेटिक 11 कंट्री में कौन कौन है? तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें G7 सम्मेलन 2021 देशों ने कौन सा घोषणा पत्र तैयार किया है? कार्बिस वे घोषणा। इसकी व्याख्या देखें, G7 लीडर्स टू साइन कार्बिस वे डेडिकेटेड टू प्रिवेंट पेंडेमिक इन 100 डेज अंडर द कैबिज वे डेडिकेटेड द यूके विच होल्ड द प्रेसिडेंसी फॉर द G7 लीडर्स समिट 2021 विल इन एस्टेब्लिश ए न्यू सेंटर टू डेवलप वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सम्मेलन में G7 देशों ने कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध किया है? तो 2050 तक। इसकी व्याख्या देखें, द 47th G7 लीडर्स समिट हैज बीन कॉल्ड ए फर्स्ट इवर नेट जीरो G7 एज ऑल्सो हैव कमिटेड टू रीडिंग नेट जीरो इमिशंस बाई 2050। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में G7 देशों ने कब तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और बदलने की नीति रखी है? तो 2030। नेक्स्ट है, G7 देशों ने निर्धन देशों को देने के लिए कितनी कोरोना वायरस वैक्सीन का वादा किया है? तो 1 बिलियन। नेक्स्ट है, 47वें G7 सम्मेलन 2021 का आयोजन UK देश के किस शहर में किया गया? तो कॉर्नवॉल। इसकी व्याख्या देखें, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन लेड थैंक्स फ्रॉम वर्ल्ड लीडर टू द पीपल ऑफ कॉर्नवॉल फॉर देयर हॉस्पिटलिटी ड्यूरिंग द G7 समिट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।